संयुक्त किसान मोर्चा की एक प्रेस वार्ता बरेली में आयोजित की गई। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में आयोजित इस प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। 9 दिसंबर को जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी, उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। संयुक्त किसान मोर्चे के सभी घटक सरकार के वायदा खिलाफी की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है, वो पहले भी चुनाव में किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। लखीमपुर में किसानों की हत्या करने वाले गृह मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजय मिश्रा उर्फ टेनी आज भी मंत्री बने बैठे हैं। उनके 6 पेट्रोल पंप हैं। सरकार MSP के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की है। सरकार आचार संहिता की दुहाई दे रही है। किसान की जमीन छीने जाने की योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। किसकी सरकार आएगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने आंदोलन पर ध्यान देंगे। आंदोलन की कमान नौजवानों के हाथ होगी। सरकार नौकरियों को खत्म कर रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी, देश लेबर कॉलोनी में तब्दील होने जा रहा है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि और किसी को वोट देना है, किसान खूब जानता है। शिव कुमार जी कक्का मध्य प्रदेश भोपाल, जगजीत सिंह दल्लेवाल पंजाब हनान मुल्ला, GCPIM आदि ने अपने विचार रखे। डॉक्टर रवि नागर, जितेंद्र शर्मा, राजीव शांत, राजेश शर्मा, शिशुपाल सिंह इरशाद, अली श्रीपाल, सुनील यादव आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। भाई हम तो सरकार का कर रहे हैं, जोन सी सरकार। देखो सरकार और पार्टियां अलग अलग होती है, सरकार और पार्टियां अलग अलग है। हमारा है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से। जो भी आएगी, अब इतना तो हो गया है कि आंदोलन से जब से आपने खबरें छापनी शुरू करी, तो इन्होंने अपने कागज पत्र में किसान को स्थान देना शुरू करा। तो ये है कि आंदोलन मजबूत चाहिए, सरकार किसी की आ जाओ कोई परवाह नहीं है, लेकिन किसान की बात सुननी पड़ेगी। रोला रुका हम रखेंगे और वे बात सुने। कहाँ करा भाई, कहाँ करा है भाई? सुरेश राणा लगातार ही कह रहे पहली कैबिनेट, भाई पहली कैबिनेट सुरेश राणा का ये पता कर लो कि आपका जो गन्ना डाला और आपके भाई ने, आपका भुगतान हो गया क्या? 16 जनवरी तक का बता रहे हैं कि आगे आया गन्ने का भुगतान। 16 पिछले साल का कह रहा होगा, गलत कह रहा, गलत। ये आपके मुजफ्फरनगर के किसान कह रहे थे कल। अरे आप सुरेश राणा का ही पता कर लो। सुरेश राणा नहीं, मुजफ्फरनगर के किसानों का। अरे सुरेश, अच्छा मंत्री का पता कर लो ने। और एक इस साल कुछ फैक्ट्रियों का अगर इलेक्शन के दौरान दे दिया उन्होंने अब, लेकिन उन्हें पिछला भुगतान कब करा? अब बहुत ही स्पीड पकड़ ली। अगर इलेक्शन है कि अब तुरंत दे दे, कहीं सरकार ने तो नहीं दे दिया पैसा। लेकिन पिछले साल का भुगतान, पिछले साल का भुगतान अभी भी जो मंत्री है यहाँ के, उसका भी भुगतान नहीं हुआ। आपसे अनुरोध कर रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक मत से फैसला लेकर ये तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के तमाम केंद्रों पर जाके किसानों की तरफ से ये अपील करेंगे कि इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दें। ये हमें करने पे इसलिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि नंबर एक, किसानों का मोर्चा उठाते वक्त भारत सरकार ने 9 दिसंबर को जो हमें लिखित वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। कहा था MSP की कमेटी बनेगी, 2 घंटे का काम था, आचार संहिता नहीं थी, लेकिन आज 2 महीने हो गए वो कमेटी नहीं बनी। कहा था किसानों पे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, राज्य सरकारों का तो लंबा मामला है, केंद्र सरकार ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए, रेलवे के मुकदमे वापस नहीं लिए, यूनियन टेरिटरी के मुकदमे वापस नहीं लिए। कहा था शहीदों को मुआवजा दिया जाएगा, हरियाणा ने किया, उत्तर प्रदेश ने नहीं किया। और किसानों ने पहले दिन से
मोर्चा उठाते वक्त भी जो मांग रखी थी कही थी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम भूले नहीं हैं और इस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप यहाँ से बहुत नज़दीक हैं। हमने कहा था कि अजय मिश्र टेनी, जिन्हें हम लखीमपुर खेरी कांड का मुख्य सूत्रधार मानते हैं, हमने कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। इस बीच एसआईटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में साफ माना गया कि सिर्फ साधारण हत्या नहीं है, इसके पीछे षड्यंत्र था, लेकिन षड्यंत्रकर्ता जो है वो आज भी छुट्टा घूम रहा है। ये किसानों के घाव पे नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया है और हमें ये अपील इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि पिछले 5 साल में इस योगी सरकार ने घोर किसान विरोधी सरकार यहाँ पे चलाई है। सरकार ने क्या कुछ किया मैं पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा, राकेश जी हैं, अन्य साथी बताएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कल भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसको इन्होंने क्या क्या लोक कल्याण संकल्प पत्र, शायद इन्हें लगता है कि लोग इनका 5 साल पहले वाला पत्र भूल गए हैं।